हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपके अपने UK20 पंत ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ मनेरी लीला होटल प्लेस से। जैसे आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैं यहाँ पे कल रात को पहुँच चुका था और अभी हम यहाँ से निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए 6:30 बजे। अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे सोनप्रयाग के लिए और कल हम वहाँ से केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। और बस आज का यही है। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से तैयार हो चुका हूँ नहा धो करके। अभी हम निकलते हैं यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और लोग जो नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने अभी तक मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, वहाँ पर जा करके आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं, ब्लॉग जो मेरे आएंगे, वो काफ़ी और मज़ेदार आएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ के। और अभी यहाँ से मनेरी से सोनप्रयाग तक का रोड में कैसे रोड है, यहाँ के कैसे ट्रैफिक मिलेगा, सब कुछ मैं आपको अपडेट करूँगा सोनप्रयाग तक का। तब तक के लिए आप बने रहें और वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे रुका हुआ हूँ मनेरी में लीला होटल प्लेस में। और यहाँ पे जो ऑनर थे या फिर यहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को ये रूम दिया। ठीक है, तो मैं आराम से यहाँ पे अपनी नींद पूरी कर पाया हूँ। ठीक है दोस्तों, और अभी हम चलते हैं सीधे यहाँ से सोनप्रयाग के लिए। बाय बाय। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चुरंगी खाल और यहाँ पे शिव जी का बहुत प्यारा अद्भुत मंदिर है, काफ़ी सुंदर सिद्ध पीठ है ज्ञान पारे गुरु का मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। एक सुकून सा मिलता है यहाँ पर पे। जितनी भी गाड़ियाँ हमारी केदारनाथ सॉरी गंगोत्री यमुनोत्री से आती हैं तो यहाँ पे दर्शन जरूर करती हैं, तो हमने भी दर्शन किया, काफ़ी अच्छा लगा। और पंडित जी ने हमें टीका भी लगाया, देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत। और काफ़ी यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सारा टूरिस्ट जितने भी यहाँ पे चारधाम यात्रा कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आकर के रुकते ज़रूर हैं और बाबा के दर्शन करके ही आगे निकलते हैं और बाबा सबकी यात्रा मंगलमय करें, इसी की हम कामना करते हैं। और अभी हम यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं और अभी नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे केदारनाथ के लिए। ठीक है दोस्तों, तब के लिए आप बने रहें, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में।
गंगोत्री से होते हुए आप केदारनाथ के लिए आराम से इजीली आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं। एकदम प्लेन रोड है, थोड़ा चढ़ाई रहती है, रोड छोटा रहता है, लेकिन आप आराम से गाड़ी लेके जा सकते हैं। और सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, दोनों तरफ ग्रीनरी है और चीड़ के पेड़ हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोग भी आइए और केदारनाथ जाइए। दोस्तों, इस गांव का नाम मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी धान की खेती हो रही है, धान लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, यहाँ की पहाड़ियाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ की जो खूबसूरती है वो इन खेतों से आ रही है। खेत देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने खेतों का डिज़ाइन बनाया हो, स्टेप टू स्टेप यहाँ पे बनाए गए हों, लेकिन ये कुदरती है। और ये गांव देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरे पहाड़ों के बीच में ये गांव बसा हुआ है, एकदम ग्रीनरी पूरी यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। तो आप देखिए यहाँ पे हल लगाया जा रहा है, देखिए किस तरह से किसान एक पहाड़ में किसान किस तरह से बैल से हल जोता जाता है और खेती की जाती है। ये पूरे धान की खेती है और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो चावल होता है वो लाल चावल होता है, धान जो है लाल वाला होता है, काफ़ी खूबसूरत है। और किसी को अगर इस गांव का नाम याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। अभी हम किसी गांव पे रुके हुए हैं बीच में और यहाँ का कुछ इस तरह से व्यू है। देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, सामने गांव देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस रास्ते से पहाड़ी से हम यहाँ पे आ चुके हैं और गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी है और आसमान में कुछ इस तरह के बादल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत नज़ारा। ये बादल देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे उतर के, क्योंकि व्यू देखिए पीछे का कितना जबरदस्त है। ये देखिए काफी खूबसूरत नज़ारा है। अभी काफ़ी लंबा सफ़र है, चलते हैं देखते हैं, और बीच में कुछ पॉइंट आएंगे, फिर पॉइंट कोई अच्छा पॉइंट आएगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा। ये सामने का नज़ारा देखिए कितनी ग्रीनरी है, उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ है घूमने के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के लिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए नीचे गांव बसा हुआ पूरा।
ये देखिए इस तरह से यहाँ पे गांव है। गांव का नाम मुझे नहीं मालूम, अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएगा। ये देखिए आसमान में बादल देखिए किस तरह से लगे हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे के अपनी मंजिल की ओर, मिलते हैं आपसे फिर किसी और पॉइंट पे। पहुंच चुके हैं भाटा केदारनाथ मार्ग पे और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। देखिए सामने केदारनाथ घाटी पे आपको बर्फ़ दिखाई दे रही होगी, ये हेलीकॉप्टर। ये सामने जो आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है केदारनाथ की घाटी है, पहाड़ हैं जहाँ पे बर्फ़ पूरी दिखाई दे रही है। कल हमें उसी तरफ जाना है और अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और आसमान में कुछ इस तरह के अभी बादल लगे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, और बस यही है, निकलते हैं अभी सोनप्रयाग के लिए। चाय पीने रुके थे, चाय पी करके सीधे निकलते हैं सोनप्रयाग के लिए और फिर मिलते हैं आपसे इसलिए सोनप्रयाग में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं सोनप्रयाग और सोनप्रयाग की पार्किंग में हूं। ये सामने पार्किंग है, इसके बैक साइड में भी नीचे की तरफ पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और सामने ये मार्केट है, ठीक है। और अभी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश पीछे से लग रही थी, अभी फिर से दोबारा चालू हो गई है। कल सुबह मैं ट्रैक स्टार्ट कर दूंगा केदारनाथ धाम के लिए, और तब तक के लिए आप बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी। बाय बाय।